भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा एक दिवसीय कैंप लगाया गया, जहां कोविड-19 को लेकर लोगों को पर्चे बांटकर जागरूक किया गया। साथ ही लोगों को फ्री मास्क और साबुन भी बांटे गए। रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा लोग सफाई का ध्यान रखें और कम से कम अपने घरों से निकलें, जिससे कोरोना वायरस को भारत से पूरी तरह से नष्ट किया जा सके। कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया दहशत में है, जिसको लेकर कई राज्यों और सरकारों द्वारा लॉकडाउन भी किया गया है। वहीं फिरोजाबाद की जरूरतमंद लोगों को ब्लड डोनेट करने वाली संस्था रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए, इसके लिए कैंप लगाया, जिसमें कोरोना वायरस से जुड़ी हुई बातों के पंपलेट्स भी लोगों को बांटे गए। साथ ही लोगों को चेहरे पर लगाने वाले मास्क और साबुन भी बांटे गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार वर्मा है। मैं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी से हैं। हम सभी लोग आज भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के नेतृत्व में एक दिवसीय कैंप लगाया गया, जिसमें मास्क और साबुन वितरण किया गया। इस कैंप के माध्यम से हमने नगर के सभी लोगों को, जितने भी क्षेत्र में रेहड़ी चलाने वाले मजदूर, काम करने वाले मजदूर, दैनिक वेतन मजदूर जो जो लोग थे, उन लोगों में मास्क वितरण किया है और साबुन वितरण किया है। अभी हमारे जितने भी टीम के सभी मेम्बरों ने लोगों को अवगत कराया कि अच्छे तरीके से हाथ धोएं और मास्क लगा के प्रयोग में आए, जिससे जिस तरीके से हमारे यहाँ जो भी कोरोना वायरस की जो बीमारी है, वो हम लोग उससे सचेत रहें, किसी तरीके से हम लोगों को ना। क्या आपको